हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। एस्मा के तहत जिला प्रशासन की लेखपालों के हड़ताल पर हुई बड़ी कार्रवाई, लेखपालों के जिला अध्यक्ष सहित 18 हुए सस्पेंड, 469 नए प्रशिक्षु लेखपालों को सेवा से हटाने की दी गई नोटिस। प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, निर्माण कार्यों की प्रगति और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश, कहा इंसेफ्लाइटिस के जंग में होगी हमारी जीत। अपने बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए महिला ने एसएसपी कार्यालय के समक्ष किया आत्मदाह का प्रयास, लगाई न्याय की गुहार, मुस्तैद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके इरादे पर फेरा पानी। कमिश्नर की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक, सही जानकारी न देने पर अधीक्षण अभियंता आरईएस का किया स्पष्टीकरण तलब। बकाया मानदेय के भुगतान को लेकर बीआरडी की नर्सों ने किया स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री से मुलाकात, कहा मानदेय का जल्द करें भुगतान। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर भारत स्काउट्स एवं गायक द्वारा निकाली गई जन जागरूकता रैली। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ का द्विवार्षिक चुनाव एवं अधिवेशन हुआ संपन्न, नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की दिलाई गई शपथ। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी रहा जारी, वार्ता करने को किया इनकार। नगर निगम परिसर में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। पुलिस अधीक्षक यातायात ने शुरू की अनोखी पहल, हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने का पढ़ाया पाठ, भरवाया शपथ पत्र तब छोड़ा। संयुक्त स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में 24 लाख करने की तिथि 13 जुलाई से 15 जुलाई की गई निर्धारित। और गोरखपुर क्रिकेट संघ और यूपीसीए के खिलाफ ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति ने किया विरोध प्रदर्शन।